हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ट्रेस। आज थर्सडे है, थर्सडे मतलब पैसा डबल। अरे भाई, पैसा आज तो डबल हो गया। 600 रुपए का प्रीमियम 200, 200 रुपए का प्रीमियम 400 एंड 600 रुपए का प्रीमियम 1200। अरे वाह भाई, क्या बात है। अच्छा, क्या अच्छा लग रहा हूँ ना मैं, अच्छा लग रहा हूँ, अच्छा तो लग रहा हूँ। तो मैं ये बता रहा था कि भाई, एक्सपायरी का मतलब ये नहीं होता कि पैसा डबल। मैंने अभी मतलब मार्केट में जाने से पहले भी, तो मैं मार्केट में गया नहीं हूँ, अभी एक बजने वाला है, एक बजे मार्केट में जाएंगे। व्लॉग बनाने से पहले मैं ऐसे ही इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहा था कि आज लोगों के क्या हुआ, तो देखा कि मैंने भाई, लोग आज ज़्यादातर लॉस में है। इसका मतलब आज हम बच गए हैं कि हम एक बजे मार्केट में जा रहे हैं, क्या पता एक बजे के बाद भी लॉस हो जाए, लेकिन आज बच गए क्योंकि मार्केट में सुबह सुबह लॉस हो चुका है। तो क्या पता आज मतलब दोपहर के बाद, एक बजे के बाद अपना ट्रेंडिंग कुछ मूव मिल जाए। लेकिन यार ये मत सोचो कि पैसा डबल, एक्सपायरी वाला दिन पैसा डबल। देखो मैं भी करता था, 500 रुपये मेरे पास होते थे, मैं भी ये सोचता था कि 600 रुपये का प्रीमियम चल रहा है, अभी 6 रुपये के हिसाब से मैं अगर 500 शेयर ले लूँगा या फिर 600 शेयर ले लूँगा, अगर ये 6 रुपये का प्राइस अगर 60 रुपये चला गया तो अरे भाई मैं तो मज़ा ही आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मैं भी सोचता था। इसका मतलब ये नहीं है कि ये भाई ये होगा, बहुत रेयर केस है यार होगा। फिर मैं वही करूँ जो ज़्यादातर टाइम हो रहा हो, मतलब कि जो ज़्यादातर 10 में से 8 बार हो रहा हो उसी चीज़ को करो। अच्छा, एक्सपायरी में पैसा डबल कितना टाइम होगा? 10 में से अगर 10 बार आप पैसा लगा रहे हो, कितने बार आपका डबल हो जाएगा? ज़्यादा दो बार, एक बार। भाई एक बार भी अगर हो जाए ना, वो आपका स्किल के ऊपर होगा। एक बार भी अगर हो जाए तो आप, जब तक आपके अंदर स्किल नहीं होगा ना, तब तक नहीं हो पाएगा, तब तक नहीं हो पाएगा। बाय लक कभी हो गया, लेकिन लक पे नहीं चलता है यार। लक पे क्या, कितना दिन चल लोगे, लेकिन स्किल पे बहुत दिन आगे, बहुत आगे तक जा सकते हो। तो स्किल पे ध्यान दो एंड लक पे ध्यान मत दो। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या नहीं बोल रहा। बाकी सब तो यार सब बढ़िया ही है, एंड अपन तो स्मार्ट लग ही रहे हैं आज। तो थोड़ा बहुत इस तरीके का व्लॉग है यार, एंड जरूरी नहीं है हरदम चाट देखते रहो, एंड थोड़ा सा सब कुछ है। एंड समझ रहे होगे आप मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूँ, समझ रहे हो नहीं समझ रहे? चलो, तो ये देख सकते हो, यही है अपना रूम, इसी में जो है अपन रहते हैं। एंड अभी जो बाहर तो धूप हो रही है, तो मैं आपको बाहर क्या दिखाऊं, अभी एक बजने वाला है, मैं अभी नहाऊंगा एंड उसके बाद मैं मार्केट में आऊंगा। तो बस यहाँ पे एक एंट्री लिया है, देखो 220 की कैंडल जैसी बनी, यहाँ पे एंट्री हो चुका है। 133 के लेवल पे मैंने एंट्री किया है, पुट साइड ट्रेड लिया है। मैंने पुट साइड ट्रेड क्यों लिया है, यहाँ पे देखोगे ना, निफ्टी में मैंने ट्रेड लिया है। निफ्टी एक रेजिस्टेंस पे है, ठीक है, रेजिस्टेंस पे इसने अर्ली एंट्री सेटअप बनाया, बिग बार सेटअप आपको पता होगा, तो इसने अर्ली एंट्री सेटअप बनाया, इसने 9 EMA को ब्रेकआउट किया। इंडिकेटर 9 EMA में लगाता हूँ, बहुत से लोग पूछते कि भाई आपका कौन सा इंडिकेटर में लगाते हो, तो इस पर भी 9 EMA लगाता हूँ एंड इस पर भी 9 EMA लगाता हूँ इंडिकेटर। तो देख सकते हो इसने रेड कैंडल से एक ने 9 EMA को कट किया नीचे की तरफ, और ये रेजिस्टेंस पे था, रेजिस्टेंस पे नीचे की तरफ मुझे ट्रेड मिल रहा था, तो मेरे को, मैंने लिया इस ट्रेड को। और यहाँ पे देखोगे तो बैंक निफ्टी भी एक रेजिस्टेंस पे था, वहाँ से दो बार रेजिस्टेंस लिया, डबल टॉप बनाया, एक तरीके से डबल टॉप आपको दिख रहा होगा, एक टॉप, फर्स्ट टॉप एंड सेकंड टॉप, दो टॉप बना के अब ये नेकलाइन को ब्रेक करेगा, तो ये अपने अगले सपोर्ट तक आ सकता है। आपको पता है सपोर्ट रेजिस्टेंस आपका क्लियर होना चाहिए ट्रेडिंग करने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आया अपना 5 रुपये का SL है, इसमें लगभग 5 रुपये का SL है, 4.95 रुपीज़ का SL अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा तो 4.95 रुपीज़ का SL है। टारगेट जो है 35 रुपीज़ का है। ज़रूरी नहीं है कि हम 35 रुपीज़ ही बुक करेंगे, अगर मार्केट यहाँ पे आ गया सपोर्ट तक और ये भी अपने सपोर्ट तक आ गया, तो यहाँ पे कुछ हमें ऐसा लगेगा तो हम इसको बुक कर लेंगे, ठीक है। तो नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। एंड यहाँ पे अगर हम बात कर ले थोड़ी सी डाटा की, तो डाटा क्या कहता है, देखो tradingtech.com पे जाओ, सिंपल है यार, मैं रोज़ यही बातें बताता हूँ, मैं रोज़ एक ही प्रोसेस फॉलो करता हूँ एंड मैं बार बार अलग अलग प्रोसेस नहीं फॉलो करता। ज़रूरी नहीं है कि आज जो मार्केट में हो रहा है वो कल ही वैसा ही होगा, तो मतलब बस एक अपना सेटअप बनाओ, एक रूल बनाओ, उसी के रूल, प्रोबेबिलिटी पे मार्केट चलता है ना। आज वो मार्केट हो सकता है इस चीज़ को फॉलो कर ले, कल वही चीज़ आप मार्केट ना फॉलो करो, लेकिन परसों उस चीज़ को फिर फॉलो कर ले, तो एक सेटअप बनाओ और रोज़ करो, ठीक है, उसी सेटअप पे काम करो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, हमें ये डाटा देखने के साथ साथ हमें यहाँ पे भी ध्यान देना होगा, मार्केट अपने सपोर्ट तक आ रहा है, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि डबल टॉप बना के अपने सपोर्ट तक आ रहा है, और यहाँ सपोर्ट तक आ जाएगा तो हमें यहाँ पे निकलना पड़ेगा जितना भी प्रॉफिट होगा। देखो ये मार्केट एक ही कैंडल बना के जा रहा है, एंड अभी मैं खुश नहीं होऊंगा, कभी हो सकता है लॉस में भी आ सकता है, लेकिन जो भी होगा देखेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे देखोगे तो ये भी अपने सपोर्ट तक जा रहा है, ठीक है, तो देखते हैं। उससे पहले फिर अब डाटा देखते हैं कि डाटा क्या कह रहा है। तो यहाँ पे डाटा अगर आप देखोगे ना,
तो बियरिश है थोड़ा सा, ठीक है, टेक्निकल तो बियरिश है ही लेकिन डाटा भी बियरिश है। यहाँ पे देखो सिंबल पे जाके, यहाँ पे सिंबल पे जाके ना, यहाँ पे हमें सिंपल क्या करना है, ये निफ्टी पे क्लिक कर देना, निफ्टी बैंक निफ्टी तीनों का देख लेना है, निफ्टी बैंक निफ्टी एंड फिर निफ्टी। तो यहाँ पे देखोगे ना तो निफ्टी में हमने ट्रेड लिया हुआ है, किसमें लिया हुआ है सर, यहाँ पे देखोगे निफ्टी में ट्रेड लिया है। एंड निफ्टी क्या है देख रहे हो, कॉल सेलर यहाँ बहुत ज़्यादा है एंड पुट सेलर क्या है बहुत ही कम है। तो यहाँ पे डाटा क्या बता रहा है भाई, मैं बियरिश हूँ, निफ्टी क्या बता रहा है बियरिश, निफ्टी का डाटा बियरिश बता रहा है। एंड टेक्निकल की अगर आप बात करोगे ना तो टेक्निकल भी अभी बियरिश बता रहा है, 229 अभी हो रहा है टाइम, लेकिन टेक्निकल भी क्या बता रहा है सर अगर आप ध्यान से देखोगे तो टेक्निकल भी बता रहा है कि भाई मैं बियरिश ही हूं, प्राइस एक्शन बनाते हुए नीचे के साइड जा रहा है एंड ये बियरिश है, ठीक है। तो यहां पे ध्यान देने वाली बात है, बस ये यहां तक ना आ जाए और ये यहां तक ना आ जाए, अगर ये आ जाए तो हमें निकलना पड़ेगा, वहां पे एग्जिट करना पड़ेगा। अभी तक आप देख सकते हो जो भी हो रहा है मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। एंड बात कर लें अब यहाँ पे जाएं सिंबल पे फिर से, एंड यहाँ पे बैंक निफ्टी की बात करते हैं। तो बैंक निफ्टी में क्या पता चल रहा है सर, बैंक निफ्टी में ये पता चल रहा है कि सर बियरिश है एंड थोड़ा सा साइडवेज भी है। क्यों? क्योंकि कॉल सेलर तो ज़्यादा है ही इसमें एंड पुट सेलर भी ज़्यादा है, लगभग कॉल सेलर एंड पुट सेलर लगभग सेम है, लेकिन अकॉर्डिंग टू पुट सेलर कॉल सेलर ज़्यादा है। तो बैंक निफ्टी क्या है, बियरिश है और थोड़ा सा साइडवेज भी है। तो इसी तरीके से टेक्निकल क्या कह रहा है, टेक्निकल भी देख लो, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो बैंक निफ्टी का चार्ट है। तो बैंक निफ्टी में कुछ क्या है, आपको रैली मिल रही है, कोई एक रैली मिली फिर उसके बाद साइडवेज हो गया, फिर एक बार साइडवेज हो गया, तो ऐसा तरीके करके मिल रहा है, मतलब बियरिश और साइडवेज दोनों मिल रहा है। एंड बात कर लेते हैं फिर से फिन निफ्टी की, तो फिन निफ्टी क्या है, तो यहाँ पे अगर आप फिन निफ्टी पे क्लिक करोगे तो फिन निफ्टी भी लगभग आपको सेम दिखाई देगा जैसा बैंक निफ्टी दिखाई दिया था, कि इसमें भी कॉल सेलर ज़्यादा है एंड पुट सेलर कम है, लेकिन अकॉर्डिंग टू पुट सेलर कॉल सेलर ज़्यादा है, तो बियरिश है लेकिन थोड़ा सा साइडवेज, थोड़ा साइडवेज नहीं है, साइडवेज मतलब कह सकते हैं कि साइडवेज नहीं है, क्योंकि पुट सेलर ज़्यादा ही मतलब उतने ज़्यादा नहीं है पुट सेलर, कॉल सेलर है ठीक ठाक है। तो आप देख सकते हो, मैं फिर निफ्टी का चार्ट नहीं देखता, मैं दो ही चार्ट देखता हूँ, निफ्टी है ना एंड बैंक निफ्टी, दोनों को मिला के मैं देखता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट ऊपर जा रहा था एंड ये नीचे आ रहा है, अब ये झेलना है, ये ऑप्शन बायर का काम होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने आपको कहा ही है कि ये लॉस में भी मेरा जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, लेकिन लॉस जाएगा तो हमने तो यहाँ पे क्लियर कर रखा है ना सर, ये 5 रुपये का लॉस उस पर कट कर देंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। तो जो भी होगा मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये भी जा रहा है अपने ऊपर की तरफ एंड लेट सी क्या होता है, देख सकते हो बैंक निफ्टी है जा रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा देखो देखो यहाँ पे देखो लाइव लाइव ऐसा हिट करेगा, मैंने ये सिस्टम में ऐसा लगा रखा है, अपने आप एग्जिट हो जाएगा अपने आप, क्योंकि जब ऑप्शन बाइंग आप करते हो तो एक रैली मिल सकती है नीचे की तरफ धमाक से ना, तो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा उस चीज़ को, ठीक है। अगर आपने बाय किया है और जल्दी से नीचे चला गया मोमेंटम के साथ तो आपको जल्दी से निकलना पड़ेगा, ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको फेस करनी पड़ती है। तो लेट्स सी देखते हैं, जो भी होगा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, तो आप बने रहो वीडियो में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसने हमारा SL हिट कर दिया और मैंने ये सिस्टम में लगा रखा था, देख सकते हो इसने 1:3 का हमारे को टारगेट दिया था, लेकिन हमने बुक नहीं किया। जब आपको बड़ा टारगेट बुक करना होता है तो 19-20 रुपये आपको छोड़ना होता है। यहाँ पे देख सकते हो ये पुट साइड में मैंने पहला ट्रेड बनाया था जिसमें अपना SL हिट हो गया था, एंड दूसरा ट्रेड भी मैंने पुट साइड में ही बनाया, क्योंकि मेरा जो व्यू है मार्केट का नीचे जाने का ही है, इसलिए नीचे जाने का ही व्यू बनाया। थोड़ा सा नीचे और आ जाए, 122 रुपये पर मेरी एंट्री है, थोड़ा सा नीचे और आ जाता है जैसी ये तो मेरी एंट्री हो जाएगी, एंड टारगेट मेरा वही रहेगा जो पहले वाले का टारगेट था, वही इस वाले ट्रेड का भी टारगेट लेगा। लेट्स सी, ये देख सकते हो ये थोड़ा सा नीचे तो आ रहा है, लेकिन जैसे अभी एंट्री नहीं दिया है, जैसे ही यहाँ पे आएगा, मैंने एंट्री लगा के रखा है अपने अकाउंट में, यहाँ पे जैसे ही आएगा एंट्री हो जाएगा एंड जो अपना SL होगा, आपको पता है मैं SL सिस्टम में लगा के रखता हूँ, सिस्टम में SL हिट हो जाएगा। तो देखते हैं जो भी होगा, देखते हैं इसमें मैं आपको बता देता हूँ लॉस कितना है, इसमें मैं लॉस बता देता हूँ, इसमें मेरा 10 रुपये का लॉस है, इस वाले ट्रेड में अपना 5 रुपये का लॉस था, ये देखो इस वाले ट्रेड में 5 रुपये का लॉस था एंड इस वाले ट्रेड में अपना 10 रुपये का रिस्क है, ठीक है। तो एंड टारगेट इस वाले ट्रेड में बड़ा है, और इस वाले ट्रेड में मैं आपको टारगेट बताऊं तो 46 रुपीज़ का टारगेट है। लेट्स सी क्या होता है। जो देख सकते हो ये अपने टारगेट की ओर जा रहा है, लेकिन मुझे यहाँ बुक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे 3:23 हो चुका है और आपको पता है कि 3:30 पे मार्केट बंद हो जाता है। अगर मैंने यहाँ पे क्लोज नहीं किया तो ये पेनल्टी चार्ज हो जाएगा। आपको पता है अगर आपने क्लोज आपने एग्जिट नहीं किया और मार्केट बंद हो जाएगा तो आपको कुछ चार्ज देना पड़ेगा एक्स्ट्रा ज़ीरोधा को। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी मेरे को टारगेट मिल रहा है, यहाँ पे 12 रुपये मिल रहा है मेरे को, 12-13 रुपये मिल रहा है एंड यहाँ पे
चलोगे तो इस वाले ट्रेड का तो इसमें क्लो हो ही गया, मतलब ऑलमोस्ट अपना लॉस जो था आज का कवर हो गया एंड थोड़ा सा प्रॉफिट में भी आ चुके हैं हम। तो कोई बात नहीं, तो मैं यहाँ पे एग्जिट करता हूँ। एंड क्योंकि देखो अब यहाँ पे देखोगे तो इसमें ₹5 का SL था, इसमें ₹5 का SL हमने दे दिया, अब इसमें हमें कितने ₹13 मिल रहा है, तो ₹5 उसको हटा दो एंड बाकी सब तो प्रॉफिट ही है ना। तो आज हमने प्रॉफिट में डे को क्लोज करते हैं एंड चलो फिर मैं इसको एग्जिट करता हूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। मैंने एग्जिट कर दिया और मैं ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं करूँगा इतनी ज़्यादा सारी चीज़ें बता के, आई होप आप समझ ही होगे कि बस इतना मैं कहना चाहूँगा कि लॉस कम करो और जब प्रॉफिट करो तो आपने लॉस से ज़्यादा करो। तो आपने देखा होगा पिछले दिन मेरा लॉस हुआ था एंड आज हमने प्रॉफिट में डे को क्लोज किया। लॉस प्रॉफिट ब्रेक इवन ये सब चलता रहेगा, लेकिन ऑल ओवर आपको प्रॉफिट में रहना है। तो बस यही चीज़ करो एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।